हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्री क्लैम्पसिया के बारे में कि प्री क्लैम्पसिया किसे कहते हैं, ये किस वजह से होता है और इसे कौन से टाइप्स होते हैं, साथ ही इसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो रिलेटेड टू प्री इक्लैम्पसिया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्री इक्लैम्पसिया कहते किसको हैं। देखिए, प्री इक्लैम्पसिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जो सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में ही पाई जाती है, जब किसी फीमेल की प्रेगनेंसी को 20 वीक हो जाते हैं, 20 वीक, या फिर उसको सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय प्री इक्लैम्पसिया के साइन सिम्टम उसमें दिखाई देते हैं। अगर ये पूछा जाए कि प्री इक्लैम्पसिया सबसे ज़्यादा किस जेस्टेशनल एज में होती है, तो प्री इक्लैम्पसिया सबसे ज़्यादा 32 वीक जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस समय होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर किसी फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की है और उसकी प्रेगनेंसी को 22 वीक हुए हैं तो वहाँ पर 80% फीमेल को चांस होते हैं कि उसको प्री इक्लैम्पसिया हो सकता है। और अगर यहीं पे नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मली जब प्रेगनेंसी को 20 वीक हो जाते हैं या फिर सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो उसके बीच में प्री इक्लैम्पसिया होने के चांसेस रहते हैं। प्री इक्लैम्पसिया में स्पेशली 3 साइन देखे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है हाइपरटेंशन एंड सेकेंड है प्रोटीन यूरिया एंड थर्ड है ओडिमा। तो ये 3 साइन होते हैं जो प्री इक्लैम्पसिया में देखे जाते हैं। अगर हम प्री इक्लैम्पसिया का समय रहते ट्रीटमेंट ना करें तो ये इक्लैम्पसिया में कन्वर्ट हो जाता है। इक्लैम्पसिया जो होती है वो ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है एक फीमेल के लिए। तो जो ये 3 साइन हम देख रहे हैं यहाँ पे वो प्री इक्लैम्पसिया के हैं। और इक्लैम्पसिया में क्या होता है, यही 3 साइन होते हैं, इनके साथ 2 साइन और इंक्लूड हो जाते हैं। कौन कौन से? एक इंक्लूड होता है उसमें सीजर एंड सेकेंड इंक्लूड होता है उसमें कोमा। ये 2 और साइन होते हैं जो इंक्लूड हो जाते हैं इक्लैम्पसिया में। तो इक्लैम्पसिया इसीलिए ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है क्योंकि उसमें सीजर और कोमा इंक्लूड हो जाता है, हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया और ओडिमा के साथ। तो जो इक्लैम्पसिया है इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्री इक्लैम्पसिया और इक्लैम्पसिया में क्या डिफरेंट है। तो अभी हम बात कर रहे थे प्री इक्लैम्पसिया की। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्री इक्लैम्पसिया किसी भी फीमेल को 20 वीक जेस्टेशनल एज पे होने के चांसेस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको 32 वीक के दौरान होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम यहीं पे प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा की बात करें तो अगर किसी फीमेल ने पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है और किसी ने दूसरी या तीसरी बार कंसीव की है, तो जिसने पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं प्री इक्लैम्पसिया होने के कंपेरिजन में मल्टी ग्रेविडा के, मतलब जिसने दूसरी या तीसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी फीमेल ने पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं प्री इक्लैम्पसिया होने के। यही भी अगर हम प्री इक्लैम्पसिया के टाइप्स की बात करें तो प्री इक्लैम्पसिया के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट इसमें टाइप्स हैं माइल्ड प्री इक्लैम्पसिया एंड सेकेंड है सीवियर प्री इक्लैम्पसिया। ये 2 टाइप होते हैं प्री इक्लैम्पसिया के। अगर इन दोनों टाइप्स के रहते जो इनके साइंस सिम्टम हैं उनको देखते हुए अगर हम पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं, जो फीमेल है उसको ट्रीट नहीं करते हैं, तो फिर वो इक्लैम्पसिया में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इक्लैम्पसिया हो जाता है तो फिर उसमें अधिक हमको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्री इक्लैम्पसिया में, जिसमें हम पहले देख लेते हैं माइल्ड प्री इक्लैम्पसिया की। माइल्ड प्री इक्लैम्पसिया में 3 मेन साइन एंड सिम्टम होते हैं। पहला होता है हाइपरटेंशन, दूसरा होता है प्रोटीनूरिया और थर्ड होता है एडिमा। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे माइल्ड प्री इक्लैम्पसिया में हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो जब इंक्रीज ब्लड प्रेशर है तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। अगर हम नॉर्मल बात करें कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल बीपी, तो नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mm of Hg। जो mm of Hg है ये इसकी यूनिट है ब्लड प्रेशर की।
तो जो 120 होता है इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो 80 होता है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो देखिए जो बढ़ा हुआ अमाउंट होता है, मतलब जो अधिक होता है 120 होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो 80 होता है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है तो उस समय ये दोनों ही बढ़ जाते हैं। कितना बढ़ जाते हैं, अगर यहाँ पे हम माइल्ड प्रीक्लैम्प्सिया पढ़ रहे हैं तो माइल्ड प्रीक्लैम्प्सिया में क्या होता है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है 120 हमने अभी बताया, लेकिन जब माइल्ड प्रीक्लैम्प्सिया होता है तो उस समय ये 120 से बढ़ के 140 mm ऑफ HG हो जाता है, कितना 140 से ये ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 160 से हमेशा कम रहेगा। मैंने आपको बताया कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है कितना 140 से ये अधिक हो जाएगा, लेकिन 160 से हमेशा कम रहता है, 160 से अधिक नहीं होगा जब माइल्ड प्रीक्लैम्प्सिया होगा। माइल्ड प्रीक्लैम्प्सिया का मतलब कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 से लेके 160 के बीच में रहेगा। अब यहाँ के अब डायस्टोलिक की बात करें कि जो डायस्टोलिक है इसमें क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 80 होता है, लेकिन जब माइल्ड प्रीक्लैम्प्सिया की बात करें तो उस समय ये 80 से बढ़ के 90 हो जाएगा, 90 mm ऑफ HG, और ये 90 से तो अधिक रहता है लेकिन 110 से कम ही रहेगा, 110 से अधिक नहीं होगा, मतलब कि 90 mm ऑफ HG से लेके 110 mm ऑफ HG तक के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक की हम बात कर रहे हैं तो समय जो ब्लड प्रेशर होगा वो कितना होगा और 160 के बीच में, क्या होगा ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक की बात करें तो ये कितना होगा 90 to 110 के बीच में। तो ये रेशियो होता है किसका, ब्लड प्रेशर का, जब माइल्ड प्रीक्लैम्प्सिया होता है। तो अगर किसी भी फीमेल का ब्लड प्रेशर का जो रेशियो है वो इस अमाउंट में है तो हम इसलिए समझ सकते हैं कि उसको प्रीक्लैम्प्सिया में माइल्ड प्रीक्लैम्प्सिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहला साइन है हाइपरटेंशन जो अभी हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया की अगर बात करें तो जो फीमेल होती है उसके यूरिन में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 0.5 mg प्रति लीटर, इस रेशियो में यूरिन में प्रोटीन बढ़ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। ये कब होता है, जब माइल्ड प्रीक्लैम्प्सिया होता है। तो माइल्ड प्रीक्लैम्प्सिया में हमने दो सिम्टम देख लिए, पहला हमने देखा कि जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक वो 140 से 160 के बीच में रहेगा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से लेके 110 के बीच में रहेगा, और प्रोटीन यूरिया कितना होगा ये 0.5 mg प्रति लीटर में पाया जाएगा। अब ओडिमा की बात करते हैं तो इसमें बहुत ही माइल्ड ओडिमा देखा जाता है, जो शुरुआती स्टेज में जिसका पता नहीं चल पाता है, हल्का फुल्का फेस पे देखा जा सकता है या फिर टोज में देखा जाता है। तो यहाँ पे दो मेन इंपॉर्टेंट साइन है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जब हम ब्लड प्रेशर देखते हैं तो उस समय हम ये पता कर सकते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है। नेक्स्ट अगर हम यूरिन का टेस्ट करें तो उसमें हमको प्रोटीन के बारे में पता चल जाएगा कि कितना प्रोटीन है उसके यूरिन में। तो इस तरह से हमें पता कर सकते हैं कि जो प्रीक्लैम्प्सिया है वो माइल्ड स्टेज में है या फिर सीवियर स्टेज में है। हमने माइल्ड प्रीक्लैम्प्सिया के बारे में पढ़ लिया, अब हम सीवियर प्रीक्लैम्प्सिया में देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। सीवियर प्रीक्लैम्प्सिया में हम हाइपरटेंशन की बात करें, हाइपरटेंशन, तो देखिए मैंने आपको बताया अभी कि जो हाइपरटेंशन मतलब जो बीपी होता है उसका नॉर्मल जो रेशियो होता है वो 120/80 mm ऑफ HG होता है। उसके साथ ही मैंने आपको बताया कि जो प्रीक्लैम्प्सिया होता है, प्रीक्लैम्प्सिया में जो माइल्ड प्रीक्लैम्प्सिया है इसमें ये रेशियो चलता है, लेकिन जब सीवियर प्रीक्लैम्प्सिया होगा तो उस समय जो ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा 160 mm ऑफ HG से ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब 160 mm ऑफ HG से अधिक हो जाए ब्लड प्रेशर, और उसके साथ ही जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 110 से अधिक हो जाए, 110 mm ऑफ HG
से अधिक हो जाए। तो ये किस बात का साइन है? ये इस बात का साइन है कि अब जो फीमेल है अब उसकी कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, माइल्ड से वो सीवियर में पहुंच चुकी है। तो जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 mmHg से अधिक हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 mmHg से अधिक हो, तो इसका मतलब कि जो भी फीमेल है वो किससे अफेक्टेड है, वो सीवियर प्रीक्लैम्प्सिया से अफेक्टेड है। इसके साथ ही हम बात करें अगर प्रोटीन यूरिया की, तो प्रोटीन यूरिया, तो देखिए प्रोटीन यूरिया में क्या होगा कि इसका रेशियो 1.0 मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। मतलब कि अगर 1 लीटर यूरिन है तो उसमें 1 ग्राम प्रोटीन पाया जाएगा, ये रेशियो रहेगा। और यहीं पे जब हम माइल्ड प्रीक्लैम्प्सिया पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो प्रोटीन यूरिया होगा उसमें 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी, मतलब 1 लीटर यूरिन में 0.5 मिलीग्राम प्रोटीन होगा। लेकिन जब सीवियर प्रीक्लैम्प्सिया होगी तो उसमें ये रेशियो बढ़ जाएगा, 0.5 की जगह पे 1 हो जाएगा, 1 मिलीग्राम हो जाएगा। तो ये होता है प्रोटीन यूरिया। अब नेक्स्ट बात करें हम ओडिमा की, तो जब माइल्ड प्रीक्लैम्प्सिया से सीवियर प्रीक्लैम्प्सिया आता है तो उस समय जो ओडिमा होता है वो बढ़ जाता है। खास करके ये ओडिमा एंकल में देखा जाता है। पहले जब माइल्ड प्रीक्लैम्प्सिया होता है तो ये टोज में और फेस पे हल्का फुल्का रहता है, उसके बाद ये बढ़ जाता है और सबसे ज़्यादा ये एंकल में देखा जाता है। अभी देख लेते हैं कि जो प्रीक्लैम्प्सिया है वो किस वजह से होता है, इसके क्या क्या कॉजेज हैं। तो हम देख लेते हैं कॉजेज ऑफ प्रीक्लैम्प्सिया। तो कॉजेज ऑफ प्रीक्लैम्प्सिया में फर्स्ट पॉइंट है प्रोस्टाग्लैंडिन I2। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है तो ये क्या होता है, ये किस तरह से कॉज करता है प्रीक्लैम्प्सिया को, इसके बारे में जान लें। तो देखिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है ये एक हार्मोन होता है और इसके साथ ही ये एक वैसोडाइलेटर भी होता है, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखता है, साथ ही इनका जो ब्लड फ्लो होता है उसको भी कंट्रोल करके रखता है, जिसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो इजीली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का फंक्शन कर सकें। तो जब ब्लड में प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हो जाता है और इसके साथ ही थ्रोम्बोक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसका लेवल कम हो जाएगा और जब थ्रोम्बोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा कि हाइपरटेंशन कॉज करेगा। कैसे कॉज करेगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये एक वैसोडायलेटर होता है, वहीं पे जो थ्रोम्बोक्सिन होता है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, तो जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है ये क्या करता है कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, स्पॉज्म कर देता है, सिकोड़ देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। लेकिन वहीं पे जो वैसोडायलेटर होता है ये क्या करता है कि ब्लड वेसल्स को एक स्पेस देता है, एक वे देता है उनको डायलेट करके, जिसकी वजह से उनका फ्लो जो होता है वो कंटिन्यूसली एक रेंज में चलता रहे। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हो जाएगा जो कि वो एक वैसोडायलेटर है तो वहाँ पे और थ्रोम्बोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो जब इसका लेवल बढ़ेगा और इसका लेवल कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ब्लड वेसल्स होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो जो ब्लड फ्लो है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से, जिसकी वजह से जो हार्ट होगा उसको अधिक काम करना पड़ेगा, उसको अपना फंक्शन अधिक करना पड़ेगा, पंपिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज करेगा। तो जब इन दोनों के बीच इम्बैलेंस होता है प्रोस्टाग्लैंडिन I2 में जब वैसोडायलेटर होता है, तो जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होगा और थ्रोम्बोक्सिन का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या कॉज करेगा, हाइपरटेंशन, जो एक मेन साइन है किसका, प्री इक्लैम्प्सिया का। तो इस तरह से ये क्या कॉज करता है, प्री इक्लैम्प्सिया। अब नेक्स्ट है इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का मेन फंक्शन होता है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं ये उनको एक जगह इकट्ठा होने से, उनका एडहेशन होने से रोकता है, मतलब वो उन दोनों जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको एक दूसरे से चिपकने नहीं देता है। इसके साथ जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको भी ये रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से जो BP होती है वो कंट्रोल रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है। लेकिन जब ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है तो उस समय क्या होता है,
है उस समय ये हाइपरटेंशन कॉज करता है। कैसे कॉज करता है कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा, लेवल कम होने की वजह से जो प्लेटलेट्स हैं उनमें भी एडेशन स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी रिलैक्स नहीं रहेंगी और फिर जो फंक्शन है वो पूरी तरह से इम्प्रॉपर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बीपी है वो बढ़ेगा क्योंकि जो हार्ट है वो भी अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये भी कॉज करता है क्या, हाइपरटेंशन, जो एक कॉज है किसका, प्री इक्लैम्पसिया का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजियोटेनिक सेकेंड क्या है। देखिए एंजियोटेनिक सेकेंड में क्या होता है कि जब प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का लेवल डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसकी वजह से इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। एंजियोटेंसिन एक मेडिसिन भी होती है जिसका हम यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। तो जब भी ब्लड में प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का लेवल कम होता है तो इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है एंजियोटेंसिन सेकेंड पे और जिसकी वजह से इसकी जो वैस्कुलर सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है। वैस्कुलर सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हाइपरटेंशन कॉज करता है। तो ये रिलेटेड होता है प्रोस्टाग्लैंडिन I2 से। जब प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का लेवल कम होगा तभी ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है इसमें वैस्कुलर सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है जो कॉज करता है हाइपरटेंशन को। तो हाइपरटेंशन को ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कॉज करते हैं कैसे, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है I2, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और एंजियोटेंसिन सेकेंड। अगर इन तीनों में से कोई भी डिसबैलेंस होता है तो वो हाइपरटेंशन को कॉज करता है क्योंकि ये सभी एक दूसरे से कोरिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है एबनॉर्मल प्लासेंटेशन क्या है, इसके नाम से ही पता चला है। अगर हम यहाँ पे बात करें प्लासेंटा की तो कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि प्लासेंटा से ही बना है प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटा एबनॉर्मल प्लासेंटा, इसका मतलब है कि अगर प्लासेंटा में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज करता है। लेकिन कैसी एबनॉर्मलिटी, जैसे अगर यहाँ पे प्लासेंटल इस्चिमिया हो जाए। प्लासेंटल इस्चीमिया का मतलब होता है कि अगर प्लासेंटा को सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है तो उसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो कॉज करेगी हाइपरटेंशन को, क्योंकि अधिक मात्रा में या फिर सफिशियंट अमाउंट में O2 की सप्लाई हमको ब्लड के थ्रू ही मिलती है और प्लासेंटा को भी ब्लड के थ्रू ही O2 की सप्लाई होती है। तो जब ब्लड सफिशियंट अमाउंट में नहीं पहुँचेगा तो ऑक्सीजन भी सफिशियंट अमाउंट में नहीं पहुँचेगी। तो जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी प्लासेंटा को तो ये क्या करेगी, एबनॉर्मल प्लासेंटेशन कॉज करेगी। एबनॉर्मल प्लासेंटल का मतलब ही होता है कि प्लासेंटा में किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी का होना। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है प्लासेंटल इस्चीमिया। इसके साथ ही IGUR को भी ले सकते हैं, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन को भी ले सकते हैं या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन को भी ले सकते हैं। तो ये सभी किस में आएंगे, ये सभी एबनॉर्मल प्लासेंटेशन में आएंगी। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज करता है जो एक साइन है किसका, प्री इक्लैम्पसिया का। एंड फिफ्थ पॉइंट है इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन। अगर फीमेल का कोई ऐसा मेडिकेशन चल रहा है इन्फ्लामेटरी रिलेटेड तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। जैसे इसमें एग्जांपल है साइटोकाइनेज। अगर ऐसी कोई मेडिसिन चल रही है जो इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन में आती है तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है जो प्रीक्लैम्पसिया का सिम्टम है। अब हम देख लेते हैं प्रोटीन यूरिया के बारे में। ये तो हमने देख लिया कॉज ऑफ प्रीक्लैम्पसिया में जो हाइपरटेंशन था उससे रिलेटेड कॉज, कि जो हाइपरटेंशन है उसमें क्या क्या पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, किस वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है जो प्रीक्लैम्पसिया का सिम्टम है। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया हाइपरटेंशन, अब सेकंड देखेंगे प्रोटीन यूरिया।
प्रोटीन यूरिया कैसे कॉज करता है प्री इक्लेम्सिया को? जो प्रोटीन यूरिया है इसको समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो प्रोटीन यूरिया रिलेटेड है किडनी के फंक्शन से, क्योंकि किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का फंक्शन करती है। यूरिन में क्या वेस्ट प्रोडक्ट है जो उसको नहीं लेना है वो फिल्ट्रेट करके बाहर निकालती है। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रोटीन यूरिया की, मतलब कि जो यूरिन है उसमें प्रोटीन का आना, वही कहलाता है प्रोटीन यूरिया। तो इसके पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्पेशली किडनी से रिलेटेड है, और किडनी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? निफ्रॉन है। निफ्रॉन जो किडनी की बेसिक यूनिट है, प्राथमिक इकाई है, कि निफ्रॉन को बाउल लाइक होता है। तो जो ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बोमैंस कैप्सुलरीज। तो जो ये बोमैंस कैप्सुलरीज हो रहता है जिसका स्ट्रक्चर बाउल लाइक होता है, यहीं पे जाके फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है। इसके साथ ही दो ब्लड वेसल्स होती हैं जो अटैच होती हैं किडनी में। तो देखिए यहाँ से एक ब्लड वेसल्स जाती है जो राइट साइड से होती है, राइट साइड से, और एक यहीं से निकलती है लेफ्ट साइड को। तो जो राइट साइड से ब्लड वेसल्स जाती है इसको हम बोलते हैं अफरेंट आर्टेरियोल, और जो लेफ्ट साइड को निकलती है इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल्स। तो ये हो गई अफरेंट आर्टेरियोल्स और ये हो गई इफरेंट आर्टेरियोल्स। इसके साथ ही यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं इन्हीं में जाके ये जो अफरेंट आर्टेरियोल्स होता है और इफरेंट आर्टेरियोल्स होता है ये अटैच होते हैं। तो जब ब्लड यहाँ से आता है किस में? अफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू राइट साइड से, कहाँ पे? जो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उनमें। तो ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं ये किससे अटैच होती हैं? बोमैंस कैप्सूल से। और जो बोमैंस कैप्सूल होता है इसमें भी टीनी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, टीनी ब्लड वेसल्स। तो ये सभी एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो जब फ्रेश ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो अफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू आता है कहाँ पे? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। और जब यहाँ से वो ब्लड जाता है कहाँ पे? जो बोमैंस कैप्सूल्स होते हैं वहाँ पे, किसके थ्रू? जो टीनी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो इसके बाद यहीं पे फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है। जब फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है तो उसी समय क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अलग हो जाता है, और जो फिर से रीअब्जॉर्ब किया जा सकता है वो क्या होता है कि यहीं से फिर पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मतलब यहाँ पे फिल्ट्रेशन का फंक्शन हुआ, फिल्ट्रेशन का फंक्शन होने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो यहाँ से उसका एक्सक्रीशन हो जाता है, और इसके साथ ही जो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करने लायक रहता है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू री एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जो फ्रेश ब्लड होता है जब वो अफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू आता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ये ब्लड सप्लाई करती हैं किसको? बोमैंस कैप्सूल्स को, जो फिर आगे जाके टीनी ब्लड वेसल्स के थ्रू फिल्ट्रेशन का हुआ करता है। तो उसको छोड़िए, यहाँ पे हमको समझना है प्रोटीन यूरिया के फंक्शन को। तो जब अफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है किसको? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को। तो अगर इस अफरेंट आर्टेरियोल्स में किसी भी प्रकार का स्पाज्म हो जाता है या फिर कोई कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो भी प्रभावित होता है, और उसके साथ ही जो ऑक्सीजन होती है वो सफिशियंट अमाउंट में ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर इंडोथेलियोसिस कॉज करता है। ग्लोमेरुलर इंडोथेलियोसिस क्या होता है? ग्लोमेरुलर इंडोथेलियोसिस में क्या होता है कि जो इंडोथीलियम होती है, इंडोथीलियम ब्लड वेसल्स की इनर लेयर होती है जो बनी होती है सिंगल लेयर्ड स्क्वामस सेल से। तो जब ये डिस्ट्रॉय होने लगती है, जो इनर लेयर होती है वो जब डिस्ट्रॉय होने लगती है तो उससे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। जब परमेबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो प्रोटीन होगा उसका लीकेज होने लगता है, और प्रोटीन का लीकेज बढ़ने की वजह से
प्रोटीन यूरिया। यहाँ पे हमने जो पढ़ा अफरेंट आर्टरियोल्स, तो जो अफरेंट आर्टरियोल्स होती हैं ये फ्रेश ब्लड लाने का काम करती हैं, कहाँ पे, जो ग्लोमुलर कैपिलरीज होती हैं उनको, और यहीं पे जो इफरेंट आर्टरियोल्स होती हैं ये ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। तो प्रोटीन यूरिया होने का जो मेन कॉज है वो ये है कि अगर इफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू सफिशियंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँच पाता ग्लोमुलर कैपिलरीज को, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या कॉज होता है, इसकी वजह से वहाँ पे ग्लोमुलर इंडोथेलियोसिस कॉज करता है, और इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और प्रोटीन का लीकेज होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। तो ये इस तरह से कॉज करता है किसको, प्री इक्लेम्सिया को, जो सेकेंड कॉज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है प्री इक्लेम्सिया का। थर्ड है ओडिमा। ओडिमा में क्या होता है, ओडिमा में फर्स्ट इसमें दिखा रहा है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो इसकी वजह से ओडिमा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स की जो इंडोथेलियल लेयर होती है, इंडोथेलियल लेयर, उसमें किसी भी प्रकार का हार्म होने लगता है, वो किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगती है, तो उसकी वजह से उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। हमने अभी पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे प्रोटीन यूरिया, तो उसमें क्या हो रहा था कि जब ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ रही थी तो जो प्रोटीन थी वो यूरिया के साथ मिक्स हो रही थी और बाहर आ रही थी। यहाँ पर हम एडिमा पढ़ रहे हैं, तो एडिमा रिलेटेड होता है फ्लूइड कलेक्शन से, तो यहाँ पर जब ब्लड वेसल्स में इंडोथेलियल जो लेयर है वो जब डिस्ट्रॉय होगी तो जो फ्लूड होगा, फ्लूड वो क्या होगा, बाहर आने लगेगा, उसका लीकेज होने लगेगा, और जब फ्लूड का लीकेज होगा तो वो क्या होगा कि जो सेल्स होती हैं उनके बीच में एक्युमुलेट होने लगता है, और इसी को हम बोलते हैं ओडिमा। ओडिमा का मतलब ही होता है कि फ्लूड का कलेक्शन होना, तो ये होता है ओडिमा, जो किस तरह से कॉज करता है प्री इक्लेम्सिया को, कि जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है, ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू ऑक्सीजन, और स्ट्रेस का मतलब किसी चीज़ का अभाव या कमी, तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी किसमें, ब्लड वेसल्स में, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो उसकी इंडोथेलियल लेयर होगी वो डिस्ट्रॉय होगी, और जब वो डिस्ट्रॉय होगी तो उसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी, और जब परमेबिलिटी बढ़ेगी तो जो भी ब्लड वेसल्स का फ्लूड है वो क्या होगा, वो बाहर आने लगेगा, और बाहर आके फिर वो सेल्स के बीच में एक्युमुलेट होने लगेगा और वो कॉज करेगा ओडिमा को। तो यही होता है, जब ऐसी कोई कंडीशन होती है, ऐसा होने लगता है, तो ये क्या कॉज करता है, प्री इक्लेम्सिया को। जो ओडिमा होता है ये अदर जो मेडिकल डिजीज है उनमें भी देखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे प्री इक्लेम्सिया पढ़ रहे हैं, तो प्री इक्लेम्सिया में ये थर्ड साइन है ओडिमा का। तो पहला हमने देखा हाइपरटेंशन, कि हाइपरटेंशन किस वजह से और कैसे कॉज करता है, सेकेंड हमने देखा प्रोटीन यूरिया, कि प्रोटीन यूरिया कैसे कॉज करता है, एंड थर्ड ओडिमा। तो ये थ्री मेन कॉज थे जिनको हमने पढ़ लिया प्री इक्लेम्सिया में। अब हम देख लेते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में, कि तो हम यहाँ पे देखेंगे रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर में फर्स्ट पॉइंट है कि अगर जो फीमेल है, अगर उसकी एज 35 ईयर से अधिक है या फिर 18 ईयर से कम है तो उसको प्री इक्लेम्सिया होना का रिस्क रहता है। ये हम रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं, हमने इसके पहले कॉज पढ़ा था। कॉज का मतलब होता है कि वही एग्जैक्ट कारण है उस डिजीज के होने के, लेकिन यहाँ पे हम रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो मे बी चांस है कि उसको वो डिजीज हो। तो यहाँ पे अगर फीमेल की जो एज है वो 35 ईयर से अधिक है या 18 ईयर से कम है तो मे बी चांसेस हैं कि उसको प्री इक्लेम्सिया होने का रिस्क है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा का मतलब होता है कि अगर किसी फीमेल ने पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, उसका यूट्रस पहली बार प्रेग्नेंट हुआ है, तो उसको चांसेस होते हैं किसके, प्री इक्लेम्सिया होने के। अब नेक्स्ट है इसमें इमोशनल स्ट्रेस। अगर किसी फीमेल को इमोशनल स्ट्रेस है, मतलब वो बहुत ज़्यादा भावनात्मक है, तो उसकी वजह से भी उसको प्री इक्लेम्सिया कॉज कर सकता है, क्योंकि जो इमोशनल स्ट्रेस होता है ये रिलेटेड होता है हाइपरटेंशन से। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है तो वो किसी भी छोटी सी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, और जो हार्ट होता है उसको अधिक मात्रा में बॉडी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने के लिए अपना फंक्शन
करना पड़ता है जो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है किस पे, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ब्लड फ्लो पे, जो रिलेटेड होता है हाइपरटेंशन से। तो इस तरह से जो इमोशनल स्ट्रेस होता है ये मे भी इसकी वजह से भी प्रीक्लैम्प्सिया कॉज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्राटिडिफॉर्म मोल। हाइड्राटिडिफॉर्म मोल क्या होता है? देखिए, जब किसी फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसके बाद किन्हीं किन्हीं फीमेल्स में रेयर ये देखा गया है कि हाइड्राटिडिफॉर्म मोल की कंडीशन आ जाती है। ये एक डिजीज होती है जिसमें क्या होता है कि यूट्रस में एक तरफ तो फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहता है और वन साइड किसी भी टाइप के मास का फॉर्मेशन हो जाता है और उसका भी वहीं पर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राटिडिफॉर्म मोल। ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है, तो इसकी वजह से भी प्रीक्लैम्प्सिया कॉज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जेस्टेशनल डायबिटीज। अगर किसी फीमेल को गर्भावस्था में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज हो गया है या होने के चांसेस हैं या फिर उसको पहले से था, तो ऐसी कंडीशन में भी प्रीक्लैम्प्सिया उसको होने का रिस्क है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ओबेसिटी। ओबेसिटी भी कॉज कर सकता है क्या प्रीक्लैम्प्सिया? इसका रिस्क है कि अगर किसी फीमेल को ओबेसिटी है, वो आवश्यकता से अधिक उसका वेट है, वो हैवी है, तो इसकी वजह से भी उसको प्रीक्लैम्प्सिया कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रामनियोस। पॉलीहाइड्रामनियोस क्या होता है? जो एमनियोटिक फ्लूड होता है जिसमें बेबी फ्लोटिंग करता है, तैरता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अगर जो एमनियोटिक फ्लूड है उसका अमाउंट 100 ml से अधिक हो जाता है तो इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रामनियोस। इसमें एक और टर्म्स होता है जिसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रामनियोस। ओलिगोहाइड्रामनियोस में क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूड होता है उसका लेवल 300 ml से कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रामनियोस। तो यहाँ पे हम बात करें पॉलीहाइड्रामनियोस की, तो पॉलीहाइड्रामनियोस मतलब होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूड है वो 100 ml से अधिक हो जाता है, तो इसकी वजह से भी मे बी प्रीक्लैम्प्सिया कॉज कर सकता है। ये इसका रिस्क फैक्टर है कि अगर पॉलीहाइड्रामनियोस की कंडीशन है फीमेल में तो उसकी वजह से भी उसको प्रीक्लैम्प्सिया होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट 8th पॉइंट है इसमें रीनल और वैस्कुलर डिजीज। अगर जो फीमेल है उसको पहले से या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने के समय वैस्कुलर या फिर रीनल डिजीज है तो इसकी वजह से भी उसको रिस्क होता है कि उसको प्रीक्लैम्प्सिया कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। मतलब अगर फैमिली में किसी को भी प्रीक्लैम्प्सिया की हिस्ट्री रही है तो मे बी जो फीमेल है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की है उसको भी रिस्क होता है प्रीक्लैम्प्सिया होने का। 10th पॉइंट है प्लासेंटल इस्चीमिया। प्लासेंटल इस्चीमिया का मतलब होता है कि जो प्लासेंटा होती है उसको सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी डेवलप होती हैं, जिसको रखा गया है कि इसमें प्री इक्लेम्सिया के रिस्क फैक्टर में। मतलब अगर किसी भी प्रकार की प्लासेंटल इस्चेमिक कंडीशन आती है, प्लासेंटा को सफिशियंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से प्री इक्लेम्सिया होने का रिस्क हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पुअर प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन का मतलब होता है कि जो गर्भनाल होती है, प्लासेंटा होती है, उसका कमजोर होना, वीक होना, और वो ये तब होगी जब उसे सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का सप्लाई नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ब्लड से ही वो अपने ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे पुअर प्लासेंटेशन भी एक रिस्क है किसका, प्री इक्लैम्प्सिया का। एंड नेक्स्ट पॉइंट है माल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन की वजह से भी जो फीमेल है उसको रिस्क होता है कि उसको प्रीक्लैम्प्सिया कॉज कर सकता है। तो ये 12 रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से मे बी फीमेल को प्रीक्लैम्प्सिया कॉज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा कि प्रीक्लैम्प्सिया किसको कहते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है, इसके कौन से कॉजेज होते हैं और इसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो प्रीक्लैम्प्सिया होती है उसके क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं और प्रीक्लैम्प्सिया को जानने के लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन करें, साथ ही प्रीक्लैम्प्सिया से माँ पे और बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब के बारे में जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।